नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर आपका टेक टॉक्स के इस नए सीजन के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट नई चूज हुई, देश को प्रगति की राह पे ले जाने वाले एक ऐसी टीम हमें फिर से मिल पाई, तो इस चीज़ की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा, आगे भी हम लोग उम्मीद रखते हैं कि हमारे बिजनेसेस यूं ही ग्रो करते रहेंगे। और इससे पहले कि मैं आपको अपनी टीम से मिलाऊं, आज इस सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, तो मैं बता दूं कि ये सफ़र पिछले सफ़र से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। हम लोगों ने अभी तक अपने पिछले सीजन्स के अंदर कास्ट किया कुछ ऐसे साइबर एक्सपर्ट्स को, कुछ ऐसे आईटी एक्सपर्ट्स को जिन्होंने हमारे को अंदर की पेचीदा चीज़ें समझाई, जिन्होंने बताया हमारे को कि हम आगे की राह तो पकड़ रहे हैं, लेकिन यदि अगर हम उनको कस के ना पकड़े, चीज़ों को समझते हुए न चले, तो शायद टेक्नोलॉजी हमारे अगेंस्ट भी काम करना जानती है, और अगर उसने एक बार ऐसा करना शुरू कर दिया तो हमारे बिजनेसेस की खैर नहीं। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं जिन्होंने पिछली बार भी हमारे को बहुत अच्छी गाइडेंस दी, और इस बार भी वो हमारे को सभी प्रॉब्लम्स को ठीक से एड्रेस करते हुए उनके ठीक सोल्यूशन के पास ले जाएंगे। डॉक्टर नवीन धाम और उनकी टीम GISPL का हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। सो GISPL दोस्तों एक ऐसा नाम है जिससे अब आप अनजान नहीं, जिससे दुनिया अनजान नहीं, एक ऐसा कंपनी जो कि हमारे साइबर सिक्योरिटीज़ का जो ख्याल रखती है, थ्रेट्स से हमें आगाह करती रहती है और हमें बताती रहती है समय समय पर कि हमें उन थ्रेट्स को निपटने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं। सो दोस्तों, इसके साथ ही मैं स्वागत करना चाहूँगा क्लाउड एक्सेस का, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे दुनिया ने माना कि डेटा रखने के लिए सबसे सिक्योर जगह है। तो इसके साथ ही हम चलते हैं अपने इस सफ़र के ऊपर, जिसमें हम लोग इस बार आपके सामने कुछ एक्सपर्ट्स तो नहीं, लेकिन बिजनेस की दुनिया के शानदार लोगों को, शानदार पर्सनालिटीज़ को प्रेजेंट करने वाले हैं। तो आज हमारे शो में जो जुड़े हैं वो न सिर्फ हमें ये बताएंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपने बिजनेस के सफ़र को अंजाम दिया, बल्कि हमें ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी उनको इस बिजनेस के अंदर हेल्प कर रही है और टेक्नोलॉजी से उन्होंने किस तरीके की दोस्ती बनाई हुई है। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं मिस्टर असीम कपूर से। असीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। असीम CEO हैं, फाउंडर हैं द मार्केटिंग ग्लाइडर्स के। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है दोस्तों, धीरे धीरे करके हम समझेंगे इसको। और मेरे साथ जुड़े हुए हैं आशीष अरोड़ा। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आशीष जी जितने यंग हैं उतने ही टैलेंटेड हैं और उतने ही एक्सपीरियंस्ड हैं। आप इन्हें देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन इनका सफ़र जो है 20 साल पुराना है और आज उन्होंने एक CEO, एक कंपनी को फाउंड किया है और उसके CEO हैं, जिसका नाम है sourcingsathi.com। ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सोच समझ के इन्होंने ये स्टेप उठाया और इस कंपनी को फॉर्म किया। हम इस सफ़र में उनसे ये भी समझेंगे कि उन्होंने इस थॉट के पीछे क्या अपना विचार रखा, कैसे इन्होंने इसको अंजाम देने की कोशिश करी है। असीम, सबसे पहले शुरुआत हम आपसे करेंगे जी। मार्केटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और दुनिया परेशान है इस समय कि मार्केटिंग से सेल्स को कैसे ड्राइव करें और किस तरीके से हम लोग एक नई ऊंचाई को छुएं। किस तरह से आप गाइड कर रहे हैं और क्या, अगर मैं समझ पा रहा हूं आपके नाम से, तो क्या मैं सही समझ पा रहा हूं कि इज दिस व्हाट यू आर डूइंग? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजेश जी आप। आई थिंक द जर्नी को अगर, जैसे आपने बताया, दो हिस्सों में अगर मैं डिवाइड करूँ तो एक हिस्सा जर्नी का ऐसा है जहाँ लोग सेल्स के लिए जो हैं वो उसकी दरकार रखते हैं, इसलिए लोग उसके उस प्रस्पेक्टिव में आते हैं, और दूसरा है मार्केटिंग का प्रस्पेक्टिव। तो मेरे हिसाब से ये एक सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों पहलुओं को समझना ज़रूरी है। मार्केटिंग एक ऐसा काम करता है जहां पर वो स्टिमुलेट करता है डिमांड को, ताकि लोग उस डिमांड को आगे समझ पाएँ और उस डिमांड के साथ अपनी नीड गैप को एड्रेस कर पाएं। सेल्स क्या करता है? सेल्स उसको क्लोज करता है। तो हमेशा ये डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मेरे दोस्त जो MSME में हैं या मेरे जो स्मॉलर कॉर्पोरेट्स हैं, उनको मैं ये हमेशा ही समझाता रहता हूँ डिफरेंस। और आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को हम लोग दी मार्केटिंग ग्लाइडर्स में इन्फ्लुएंस कर पाए, उन्हें समझ पाए कि डिफरेंसेस क्या आते हैं। जहाँ तक सवाल है जर्नी का, मेरा एक रोल है और मैं अपने आप को नहीं बल्कि मेरी कुछ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मैं काम कर चुका हूँ, उन्होंने मुझे एक खिताब दिया था दी मार्केटिंग ग्लाइडर्स के से पहले, एक खिताब दिया था मार्केटिंग सूत्रधार का। तो मेरा काम है सूत्रधार, मैं स्टिच करता हूँ, मैं पूरी की पूरी चीज़ों को, जो आप जैसे मार्केटिंग के बारे में आपने बात करी, मार्केटिंग बहुत एक कन्फ्यूजिंग चीज़ है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें और समझ नहीं पाते, जबकि मार्केटिंग एक बहुत सिंपल 3-स्टेप प्रोसेस है। आपने कस्टमर को समझना है,
आपने एक वैल्यू प्रोपोजिशन या एक बेनिफिट देना है कस्टमर को जो कि उसकी नीड को एड्रेस करेगा, और आपने इस पर्टिकुलर मैसेज को मार्केट में लेके जाना है जी। लेकिन बहुत सारे लोग और मेरे बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटर्स और दोस्त जो इस कंसल्टिंग बिजनेस में है वो थोड़ा सा इसको ओवर कॉम्प्लीट कर करते हैं। ये बहुत सिंपल चीज है, और अगर इसको सिंपल तरीके से समझा जाए, और एज अ फ्रैक्शनल CMO, एज अ वर्चुअल CMO या एज अ मार्केटिंग सूत्रधार जो मुझे खिताब दिया गया है, मैं एक सिंपलीफाई करने की कोशिश करता हूँ और एक बहुत बेस लेवल के ऊपर अपने कस्टमर से बात करता हूँ, और उसका रिजल्ट ये है कि कस्टमर मेरे साथ जुड़ पाते हैं। एक हैंड होल्डिंग जर्नी में मैं उनको लेके जाता हूँ, और अल्टीमेटली जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है, चाहे वो सेल्स हो चाहे वो मार्केटिंग हो, वो अचीव करने की कोशिश करते हैं जी। मैंने कई दफ़ा नोट किया है असीम के हम लोग जब कंपनी के अंदर एक प्लेसमेंट एजेंसी को एक अपना एक रिक्वायरमेंट बताते भी हैं, तो चाहिए तो हमें एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारी सेल्स को इंक्रीज करे, लेकिन हम लोग पूछ बैठते हैं कि आपके पास मार्केटिंग का कोई लड़का है। दैट मीन्स हम लोग खुद ही अपनी रिक्वायरमेंट को, अपनी चीज़ों को नहीं पहचान पा रहे हैं, और हम लोग चाहते कुछ हैं शायद बोल कुछ और देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजेश जी आप, ये बहुत अक्सर होता है, और जैसे बताया कि बहुत सारे SMEs के साथ जहाँ पर हम उनकी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट में भी इन्वॉल्व होते हैं, एक बड़ा सिंपल प्रोसेस जो हमने बनाया है, जो कि हमने बहुत सारे सालों से सीखा है, एक जॉब डिस्क्रिप्शन, एक आउटपुट होना बहुत जरूरी है। जब वो आउटपुट बन जाता है और आपको समझ में आ जाता है कि इस पर्टिकुलर आउटपुट के बेसिस पे ही मुझे इस पर्टिकुलर रिसोर्स को रिक्रूट करना है या हायर करना है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने का एंटरप्राइजेस के लिए और SMEs के लिए और बिजनेस ओनर्स के लिए कि डिफरेंस सेल्स में और मार्केटिंग में क्या है। सेल्स वाला व्यक्ति जो है रिसोर्स है, वो आपकी डील क्लोज करेगा, मार्केटिंग वाला एक स्टिमुलेट करेगा डिमांड को, एक माहौल बनाएगा, एक एटमॉस्फेयर बनाएगा, एक इकोसिस्टम बनाएगा जहां कस्टमर आपके पास आएगा। और उसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है जो कि मैं जिसकी वजह से मैं हमेशा ये बिलीव करता हूं कि मेरी एक रिक्वायरमेंट है मार्केट के अंदर, और सूत्रधार बनके और दी मार्केटिंग ग्लाइडर्स ने इसीलिए अपना जन्म लिया है, और मैंने फाउंडर बनाया मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि उसमें एक बड़ी सिंपल सी चीज है, व्हाट्स इन फॉर मी, WIFM मैं वर्ड यूज करता हूं, और कस्टमर वो बात भूल जाते हैं क्योंकि उनका कस्टमर ये पूछता है कि व्हाट इज इन फॉर मी, मेरे लिए क्या है। और स्पेसिफिकली जेंजी और मिलेनियल कस्टमर्स आज बहुत चूजी हैं, वो हमेशा ये जानना चाहते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मेरे लिए क्या है, व्हाट्स इन फॉर मी। अगर आपने वो एक्सप्लेन कर लिया तो आपका सेल्स और मार्केटिंग का डिफरेंस बड़ा क्लियरली समझ में आ जाता है। WIFM मार्केटिंग वाला करता है, सेल्स वाला सेल्स को क्लोज करता है। सो दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से असीम ने ये डिफरेंस को हमारे समझाया, और कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट सोर्सिंग साथी का भी है, बहुत डिफरेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो एक बार आशीष से भी समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं सोर्सिंग साथी में। राजेश जी, मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहूंगा कि आशीष को मैं काफी अच्छे से जानता हूँ, पर इस शो के माध्यम से मैं चाहूंगा कि आशीष जी अपने बारे में कुछ और बताएं और हमें पता लगे कि वो क्या कर रहे हैं। धन्यवाद राजेश जी और नवीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने मुझे मौका दिया अपने साथ अपने व्यूज शेयर करने का। तो राजेश जी, मैं sourcingsaathi.com का फाउंडर हूँ, और इसकी शुरुआत मैंने इसलिए की क्योंकि मुझे 20 साल का जो एक्सपीरियंस मिला इस मोबाइल एक्सेसरीज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, नाउ आई हैव 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इनटू बिजनेस एंड डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस इनटू मैन्युफैक्चरिंग। तो मैंने अपने इस पूरे करियर के अंदर जो अनुभव किया वो एज अ रिटेलर मैंने काम किया, फिर एज अ होलसेलर मुझे काम करने का मौका मिला, डिस्ट्रीब्यूशन उसके बाद मैंने किया, और एज अ इम्पोर्टर, एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ ब्रांड भी मैंने दो बार चलाने का ट्राई किया, बट आई वॉज नॉट एबल टू सक्सेसफुल इन टू ब्रांड। तो ये जो करते करते मुझे जर्नी के अंदर जो एक्सपीरियंस मिला, इस एक्सपीरियंस के अंदर मुझे ये समझ में आया कि सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर होना ही काफ़ी नहीं है, हमें आज टेक्नोप्रेन्योर होना पड़ेगा, और हमें थ्रू आउट बिजनेस प्रोडक्ट साइड भी टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा, और सिस्टम के अंदर भी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इस पूरी जर्नी के अंदर मुझे जो समझ में आया कि एक रिटेलर से लेकर एक होलसेलर, एक ब्रांड ओनर जो जो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं आज और जो करते आ रहे हैं सालों से, वो स्ट्रगल में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, स्टिल 20 सालों में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमने ये सोर्सिंग साथी की शुरुआत की, जहाँ पर आज कोई भी आदमी अगर अपना ब्रांड बनाना चाहता है, कोई भी अगर इंसान किसी भी छोटे शहर से बड़ा जज्बा लेकर और कुछ करना चाहता है, तो आज वो डायरेक्टली सोर्सिंग साथी पे आके सभी तरह के प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के अंदर जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट जिसे आप कह सकते हैं,
वो आके सोर्स कर सकता है, देख सकता है, उनकी प्राइसिंग चेक कर सकता है, उनकी स्पेसिफिकेशन चेक कर सकता है। वो डायरेक्टली अपना ब्रांड बनाने के लिए उसे जो भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर आके देख सकता है, और आपका बहुत और इस जर्नी को वो बहुत इजी। आशीष, मैं थोड़ा यहाँ काटना चाहूंगा। मैं पूछना चाह रहा था कि आपको टोटल 20 साल का एक्सपीरियंस है, राइट? तो ये इंडस्ट्री कहाँ थी और आज आप इंडस्ट्री को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो मोबाइल की शुरुआत ऐसे हुई थी सर, आपने भी आपको याद होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोन आया करते थे, फ़ोन में कैमरे नहीं होते थे। एक मोबाइल को चार्ज करने में पूरी पूरी रात लोग चार्जिंग पे लगा के छोड़ देते थे, और 3-4 या 3-4-5 घंटे का समय लगता था फ़ोन को चार्ज होने में। आज टेक्नोलॉजी ने इसको इतना इन्वॉल्व कर दिया है, फ़ोन में कैमरे और ऑडियो सिस्टम, फ़ोन सिर्फ कॉल करने के लिए नहीं आज यूज़ हो रहा है बल्कि एंटरटेनमेंट पर्पज़ से, नॉलेज के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो मुझे हमेशा से ये बिज़नेस जो मैंने किया, ये स्टार्ट इसके स्टार्ट करने के पीछे रीज़न ही यही था कि मुझे ये फैसिनेट करता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ बिज़नेस था हमेशा से। तो आज अगर देखते हैं तो ये पूरी की पूरी तरह से मोबाइल इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इतनी इवॉल्व हो चुकी है। आज टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे कि मोबाइल से मैंने शुरुआत की थी, बट आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पहले देखते थे कि बहुत सिंपल से प्रोडक्ट आते थे, टीवी भी आप देखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट आते थे, फिर उसके बाद स्क्रीन आपकी एलईडी टीवी आने लगे, आज एलईडी टीवी आ गए हैं और बहुत तरह के ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। और रिसेंटली अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो है होम ऑटोमेशन, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये मदद जो टेक्नोलॉजी की वजह से इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है कि ये सबकी हेल्प कर रही है टेक्नोलॉजी। और कहीं ना कहीं मैं तो बिल्कुल, हम लोग तो इस चीज़ के साक्ष्य हैं कि हमने पूरा ट्रांसफॉर्मेशन अपने सामने होता हुआ देखा है, और ये अभी और बहुत नेक्स्ट लेवल पे चली जाएंगी चीज़ें। अभी AI इंट्रोड्यूस हो गया है रिसेंटली, और तो AI से भी बहुत मदद मिल रही है आई एम डेटा श्योर, आई कैप्चर एम में और सब चीज़ों श्योर। आशीष, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है आपकी। मतलब कहाँ से चले और कहाँ तक आज आप पहुँच गई है, दुनिया कहाँ पहुँच गई है, और आपने तो इसकी पूरी जर्नी को विटनेस किया है। पर जैसे आशीष ने बताया कि उनको एक फैसिनेट करता रहा ये पूरा टेक्निकल डोमेन इनका पूरा, तो आपको क्या ड्राइव करता है? मेरे को राजीव जी दो चीज़ें ड्राइव करती हैं। एक तो ड्राइव करता है पैशन, ठीक है, मेरे क्लाइंट का और मेरा अपना पैशन। दूसरा ड्राइव करता है उसी के साथ उसको ट्रांसलेट करना है एक कोई ऐसी चीज़ में जहाँ पर आप कस्टमर की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, एक एक नीड गैप को भर रहे हैं या एक डिज़ायर क्रिएट कर रहे हैं जो शायद उसकी लेटेंट थी, कभी थी नहीं, लेकिन हमने उसको हेल्प करा उस डिज़ायर को ऊपर लाने में, सरफेस करने में, ताकि उसने बोला कि हाँ यार ये मेरी डिज़ायर थी। टेक्नोलॉजी, और तीसरा जो पार्ट में बात करने वाला था, टेक्नोलॉजी ने उस प्रोसेस को इनेबल करा। जैसे अभी आशीष ने बोला कि जर्नी शुरू हुई थी एक सिंपल वॉइस कॉल से, हम लोग सोचते थे 16 रुपए की इनकमिंग कॉल है, टू अ सिचुएशन जहां पर आज हम लोग बॉदर नहीं करते कितनी नंबर ऑफ कॉल्स आ गई हैं, वाईफाई कनेक्शन की बात है। टेक्नोलॉजी हमेशा एक इनेबलर रहा है। और बहुत सारे चीज़ों में मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ अपने मार्केटिंग कुलीग्स के साथ, जहाँ उन्होंने बोला कि यार मार्केटिंग जो है वो बिजनेस के लिए है। मैं कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी एक ऐसा साथी है जो आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा। मतलब आप अगर 3x सोच रहे हैं तो वो आपको 100x पे ले जाएगा अगर आप उसको अपना साथी बना के एक इनेबलर बना देते हैं। तो मेरे लिए तो जहां भी मैं अपने क्लाइंट के लिए कोई सोल्यूशन देता हूं, अगर उसमें टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेशन है, स्पीड है, जो चीज़ें 3 साल में हो सकती हैं क्या वो 3 महीने में हो सकती हैं, क्लाइंट भी उससे खुश होता है, मुझे भी एक ग्लिटर आता है आंखों में और लगता है कि हाँ यार मैंने कुछ वैल्यू ऐड करा इसकी क्लाइंट के, और क्लाइंट आगे अपने अपने कस्टमर के लिए वो वैल्यू ऐड कर पा। वंडरफुल वंडरफुल। सो सोर्सिंग साथी एक जगह बैठे हैं और टेक्नोलॉजी के साथी दूसरी जगह बैठे हैं, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है दोस्तों। और जहाँ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है वहाँ पर टेक टॉक्स टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इस तरह से ना मोड़े कि आपको उसके चैलेंजेस को और अच्छे समझा सकें, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए यहाँ से जानना ये ज़रूरी हो जाता है कि टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन जितना ज़रूरी है, वहाँ पर इन दोनों ने अपने उनके चैलेंजेस को किस तरीके से फेस किया, क्या क्या चैलेंजेस देखे। तो आशीष, आपसे शुरू करते हैं। टेक्नोलॉजी आपको हमेशा से फैसिनेट करती आई और आप उसकी तरफ खींचे चले गए, लेकिन जहाँ ये हमारा एक फ्रेंड है, साथी है, वहीं पे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से लोग परेशान भी हैं, तो वो आपको कैसे आप उसको देखते हैं? जी, मैं तो ये कहूँगा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, साथी है, और कहीं ना कहीं जैसे मैं मोबाइल इंडस्ट्री में मैंने वक्त ज़्यादा बिताया है, तो मैं ये कहूँगा कि मोबाइल ने हमारा जीवन आसान तो किया है,
चीज़ें बहुत इजी हो गई हैं। आज हमें घर बैठे कुछ मंगाना है तो 5 मिनट में मेट्रो सिटीज़ में आपके घर पे घर बैठे सब चीज़ें आ जाती हैं। इसी कारण से शायद हम इतने डिपेंड हो गए हैं मोबाइल पे कि हम उसके बिना 10 मिनट भी रह नहीं पाते हैं, उदास हो जाते हैं। बेसिकली एडिक्शन बहुत बढ़ गया है और ये टेक्नोलॉजी की वजह से जो एडिक्शन उसके साथ साथ ना आशीष जी, ये जो आपके लिए चीज़ें इस्तेमाल करने वालों के लिए भी आसान हो गई, लेकिन जिन्होंने इसका गलत इस्तेमाल करना है उसके लिए भी बहुत आसान हो गई। आप घर बैठे बैठे दूसरे के बैंक से मतलब एक्सप्लॉयटेशन अपने बैंक तक आप लेके आ सकते हैं। मैं उसे भी आ रहा था। तो जब हमारे जब एडिक्शन बढ़ जाता है, जब हमें आदत हो गई है फोन को यूज करने की, हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, तो हम ऑफकोर्स फोन चला रहे हैं तो हम लोग इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, तो कुछ ना कुछ हम स्क्रोल कर रहे हैं। तो वहाँ पे जाने अनजाने में कुछ ऐसे लिंक्स आ जाते हैं जो स्पॉन्सर्ड लिंक होते हैं, और वहाँ पर बहुत बार हम अपने आप को खतरे में डाल देते हैं उस लिंक पे जस्ट एक क्लिक करने की वजह से। तो राजेश जी, हम ये एक चिंता का विषय है, जब हमें कोई चीज़ को हम क्लिक कर रहे हैं तो वो हमें खुद को एक सेल्फ अवेयर करना पड़ेगा कि क्या ये वो राइट लिंक है जहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं, या हमें कहीं ना कहीं सेल्फ एजुकेट होना पड़ेगा, या अगर हम खुद से समझ नहीं पा रहे हैं कि ये इसका रास्ता क्या है तो हमें एक्सपर्ट की हेल्प से चीजें समझनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो जो हम अरे नवीन जी हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, ये हमें हमेशा टेकटॉक शो के माध्यम से समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी को समझना आज के लिए हमारी एक नीड है, पर्सनल लेवल पे भी और बिजनेस लेवल पे। जी जी बिल्कुल आशीष जी, इनफैक्ट जहाँ चिंता की बात आप करते हैं वहाँ पर हम लोग चिंता मुक्त होके ये कह सकते हैं कि हमारे डॉक्टर नवीन बैठे हैं, चिंता की कोई बात ही नहीं है। पर उससे पहले कि हम लोग इनसे थोड़ा सा और समझें, एक्सपर्ट से हमने कि किस तरीके से ये एक प्रॉब्लम जो अभी आशीष जी ने रिवील करी उसको टैकल कर सकते हैं, मैं असीम समझना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी आज हर बिजनेस को ड्राइव कर रही है, तो आई एम श्योर वो कहीं आपके बिजनेस में बहुत अच्छा रोल और बड़ा रोल प्ले कर रही होगी, कुछ समझाएंगे उसके बारे में क्या? हमारे केस में राजीव जी, टेक्नोलॉजी एक ऐसा रोल प्ले करती है जैसे मैंने बोला आपको, एनेबलर का। हमारा रोल ये होता है कि हम जितनी जल्दी हो सके अपने क्लाइंट्स के लिए एक ऐसा फेवरेबल आउटपुट क्रिएट कर पाएं, और हमने टेक्नोलॉजी को अपना एक साथी बना लिया है। मैं आशीष जी से एक वर्ड चुरा रहा हूँ, साथी, ठीक है, वो इसलिए साथी बना लिया है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने बात करी, जैसे आपने बात करी, यू नो नेगेटिव साइड है, कुछ लोग उसको मिसयूज़ करते हैं। मेरा अपना मानना यह है कि अगर आप उसको एक पर्पस ड्रिवन प्रोसेस में डाल देते हैं और उस प्रोसेस में आप डॉक्टर नवीन जैसे एक्सपर्ट की हेल्प लेकर और उस प्रोसेस को इतना सिंपल बना देते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति हैकर हो या कोई भी व्यक्ति हो जो कि आपको नुकसान पहुंचाने की मंशा से आपके साथ जुड़ रहा है, वो आपका मिनिमाइज हो जाता है। तो हमारे सिस्टम में हमने दो चीज़ें बड़ी सिंपल करी हैं, हम एक प्रोसेस ड्रिवन कंपनी चलाते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी और खुद के लिए भी, और दूसरा हमारा ये मानना है कि बैलेंस मेंटेन करके रखो, जहां जरूरत है वहीं पर इस्तेमाल करो। आज जैसे हम अपने बच्चों को बोलते हैं या हम अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं, कहना आसान है मतलब करना मुश्किल है, कि आप 10 मिनट, जैसे उन्होंने बोला कि 10 मिनट तो बहुत व्यक्ति है, 5 मिनट ज़्यादा व्यक्ति अपने मोबाइल से दूर नहीं रह पाता है, पर अगर आप अपनी मेंटेनेंस बैलेंस मेंटेन कर लें। फॉर एग्जांपल मेरे अपने लिए, मैं हमेशा ये देखता हूं कि वीक ऑन वीक क्या मैं अपने मोबाइल को कम इस्तेमाल कर रहा हूं या 15 मिनट कम है या 10 मिनट कम है, दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ जॉय, मुझे खुशी मिलती नहीं, है। नहीं बिल्कुल ठीक है असीम, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जितना हम टेक्नोलॉजी के आदि बनते जाएंगे जी, शायद उतना कहीं ना कहीं असली जिंदगी से दूर होते हैं। करेक्ट, लेकिन साथ ही में ये बहुत जरूरी भी है जानना कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने बिजनेस को अपने ग्रिप में लिया या बिजनेस ने टेक्नोलॉजी को अपने ग्रिप में लिया, वैसे वैसे ही आज ऐसे लोग भी इसका जरिया बनते जा रहे हैं कि वो आपके बिजनेस को अपने ग्रिप में लेने वाले हैं। तो ये समझाने के लिए डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं। डॉक्टर नवीन, आशीष जी ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज किया था कि जिसके अंदर मोबाइल के ज़रिए ही जो है वो लोग आपके बैंक से पैसे निकाल लेते हैं, तो ये कुछ प्रिवेंटिव चीज़ें कुछ बताइए ना हमारे दर्शकों को, ताकि वो इससे बिल्कुल जैसे डरे ना। देखिए, जो इन्होंने मोबाइल के ज़रिए बताया कि हैकर्स जो हैं डेटा निकाल लेते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑपरेट कर रही हैं अपने फील्ड में, उनके एम्प्लॉयज़ को हमें ट्रेन करना होता है, राइट। तो ये जो इन्होंने इंस्टेंस बताया या इंसिडेंट बताया है, इसको हम कहते हैं फिशिंग। तो फिशिंग में यही किया जाता है कि एक हैकर जो है आपको जब
मैसेज भेजेगा वो इतना टेम्पटिंग होगा कि आप उसके जाल में आ जाएंगे। जैसे वो कह सकता है कि आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है अमेजोन पे, या फिर कह सकता है कि आपने इनकम टैक्स अभी भरी थी आपने और इनकम टैक्स रिटर्न भरी थी, उसका TDS रिटर्न आ गया है, तो वो आप अपना क्लेम कर लीजिए। जब वो उस पर क्लिक करेगा तो क्लिक करते ही वो आपका आपकी बैंक की वेबसाइट पे चला जाएगा, वहां पर आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे तो वो जो है हैकर के पास चला जाएगा। तो इसको रोकने के लिए हमें खुद एम्प्लॉयज के लिए फिशिंग सिमुलेशन रन करनी पड़ती है, जिसमें कि हम एक्ट हैकर की तरह ही करते हैं और उनको सेम लिंक्स भेजे जाते हैं इससे व्हाट्सएप से, SMS से या फिर ईमेल से, और जब वो उस पर क्लिक करते हैं वो बिल्कुल सेम वैसे ही हमारे एक वेबसाइट खुल जाती है जिसमें कि वो अपना यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, तो उसके बाद उनको उनके सामने एक पोस्टर आ जाता है कि दिस इज अ सर्वे गोइंग ऑन फ्रॉम द हायर मैनेजमेंट, नाउ सिंस यू हैव क्लिक दिस लिंक यू हैव शेयर द इन्फॉर्मेशन, नाउ यू आर अंडर रडार एंड यू हैव टू गो थ्रू दिस ट्रेनिंग, क्लिक ऑन दिस लिंक एंड गेट योर सेल्फ ट्रेंड, अदरवाइज HR एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट यू। तो जब वो लिंक पे क्लिक करता है तो अपने आप एक ऑटोमेटेड ट्रेनिंग चलती है जिसमें कि उसको सारा एक एक चीज बता दी जाती है कि अगर हैकिंग अटैक हो तो क्या करना है, पूरा उसको साइबर सिक्योरिटी बहुत एजुकेशन दी जाती है, अवेयरनेस दी जी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है साइबर सिक्योरिटी का। ट्रेनिंग इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ यू नो साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन। राजीव जी, हमारे मन में डर तो नहीं है, लेकिन हमेशा ऐसे अलर्ट रहना, जैसे कि आपने शुरू में बोला और डॉक्टर साहब ने बोला, आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए मैंने आप बात करी थी शुरू में कि हम एक प्रोसेस बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम 99.59 में इंश्योर करते हैं कि उस प्रोसेस को हम लोग फॉलो करें, बिकॉज उस प्रोसेस फॉलो करने में पॉसिबिलिटीज कम होती हैं। बट जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, हमेशा वो डर रहता है, इसलिए हम हर स्टेज के ऊपर अपने CRM में, जहां पर डेटा रिपोजिटरी है और हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर की डेटा अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि उसके ऊपर हम वर्क करके कस्टमर परसोना बनाते हैं, एक पर्सनैलिटी बनाते हैं, उसने हमारे साथ पिछले 10 क्या ट्रांजेक्शन करा है, एवरेज टिकट साइज है, ये डेटा हमारे लिए गोल्ड माइन है। तो उस डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम एक क्लोज सोर्सिंग में, या तो क्लाउड में या सर्वर बेस्ड एक फायरवॉल लगाकर जितने भी अपने लेवल की सिक्योरिटीज हम मेंटेन कर सकते हैं। बाकी जैसे जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसलिए हम अपने एम्प्लॉयज को भी और अपने क्लाइंट के एम्प्लॉयज को भी कॉन्स्टेंटली वो ट्रेनिंग देते रहते हैं, बिकॉज हैकर्स नई नई चीजें कर रहे हैं। आज की डेट में जो आप सोच रहे हैं कि शायद 2021 में या 22 में उन्होंने किया था, आज वो भी एडवांस हो रहे हैं क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। आशीष ने मेंशन किया AI के बारे में, आशीष ने मेंशन किया IoT के बारे में। सो वो एक ओपन एनवायरनमेंट पे, एक पब्लिक डोमेन में कोई इंफॉर्मेशन को कैसे आप बचा सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, एक कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग, एक प्रोसेस को, दो चीजें, और तीसरा यह है कि अपने आप को अपडेटेड रखना। ये जी तीन चीजें हम लोग कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और क्लाइंट की संस्थाओं में भी, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि जितना हो सके हम इसको मिनिमाइज कर सकें। इरेडिकेट करने के लिए अलर्ट रहना जरूरी है, जी जी इरेडिकेशन नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। सो डॉक्टर साहब, आज इतफाक से देखिए कितने अवेयर गेस्ट्स हैं हमारे साथ में जिनको साइबर सिक्योरिटीज और थ्रेट्स की पूरी समझ है, और पर काफ़ी लोग ऐसे अनजान होते हैं जो ये नहीं समझ पाते हैं कि डेटा उनके लिए बहुत कीमती चीज़ तो है, लेकिन फिर भी उसको प्रोटेक्ट करना वो ज़रूरी नहीं समझते। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि ISO 27001, जो कि एक बेसिक स्टैंडर्ड है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का। अगर वो उसको फॉलो कर लेंगे तो उसमें हर वो उस पॉइंट को टच किया गया है जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन रहती है, और इवन उसमें जो है पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाई जाती हैं आपके डेटा को सिक्योर करने की, और इवन सिर्फ IT की ही नहीं, IT के अलावा भी जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, IT, HR, एडमिन, फाइनेंस, लीगल, फिजिकल सिक्योरिटी, फायर सेफ्टी, मीन्स ये हर तरह की सिक्योरिटी जो है यहाँ चेक की जाती है और उसी के बारे में ये स्टैंडर्ड बोलता है, राइट? तो अगर इस एक सिंगल स्टैंडर्ड को ही स्टार्ट करते हैं वो फॉलो करना, तो उनकी काफी इंफॉर्मेशन जो है सिक्योर हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं आशीष की बात करूं, तो आशीष जो है sourcingsaathi.com में काफी क्लाइंट्स का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो मैं आशीष जी से ही पूछना चाहूंगा कि वो इसमें सिक्योर करने के लिए क्या क्या जो है इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं।
नवीन जी, हम लोग सोर्सिंग साथी का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि जैसे हमारे साथ जुड़े हुए आज की डेट में 500 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और रॉ मटेरियल जो एक मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल चाहिए होता है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे चीज़ें लगती हैं। तो हर किसी के साथ एक चैलेंज हमने देखा, चाहे वो रॉ मटेरियल कंपोनेंट सप्लायर थे या वो मैन्युफैक्चरर थे, कि वो अपना डेटा ना कंपाइल ही नहीं कर पाते। कि अगर एक मैन्युफैक्चरर 100 तरह के प्रोडक्ट बना रहा है तो उसकी जो कैटलॉग है वो ना बार बार चेंज होती रहती है, नए नए प्रोडक्ट ऐड होते रहते हैं, तो वो कैसे उनकी प्रोडक्ट की कैटलॉग मेंटेन करें, कैसे प्राइसिंग मेंटेन करें। और दूसरी तरफ जो बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनको मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, उनके लिए भी एक चैलेंज होता था कि वो पहले अगर एक प्रोडक्ट को उनको बाय करना है तो वो एक मैन्युफैक्चरर के पास पहले जाते हैं, बात करते हैं उनसे, उसके प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन मांगते हैं, प्राइस मांगते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। तो अल्टीमेटली जो डेटा है ना बहुत क्लटर्ड था, तो हमने एक तरफ से मैन्युफैक्चरर को हमारे साथ ऑनबोर्ड किया, और दूसरी तरफ जो हज़ारों होलसेलर्स, ब्रांड ओनर्स जो हैं, उनको अपने लिए जो प्रोडक्ट चाहिए और उनको जो वो प्रोडक्ट के लिए जो उनको सोर्सिंग करनी है, उनको कहीं एक ही जगह पर सारा डेटा मिल जाए। जैसे आप जब अमेजोन पे आप शॉपिंग करते हैं तो आपको वहाँ पर दिखाई देता है कि आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए, कितना, कैसे आपको कंपेयर करना है प्रोडक्ट। तो इसी तरह से हमने भी एक बहुत ईजी एक इकोसिस्टम बना दिया, और ये जो डेटा हम कंपाइल करके हमने एक ही प्लेटफॉर्म पे रखा। और सिक्योरिटी के लिए हमारे पास एक स्पेशलिस्ट सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी टीम है जो इसको पूरा मेंटेन करती है। इसके जो फायरवॉल्स लगे हुए हैं और काफ़ी तरह के प्रोटेक्शन हम यूज़ करते हैं डेटा को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ है हमारे लिए, और ये बहुत बहुत सीक्रेट और बहुत तरह का एक प्राइवेट डेटा है, तो ये बहुत ज़रूरी है इसको मेंटेन करना। जी बिल्कुल, और इसी के साथ हम लोग बढ़ चले हैं इस प्रोग्राम के क्लोजर की तरफ को। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले एक थॉट मैं आपके पास छोड़ के जाना चाहता हूँ। हम इतना पैसा लगाते हैं अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए, हम इतना मेहनत करते हैं, हम लोग असीम जैसे एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, उनकी मदद लेकर हम लोग अपने ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करते हैं, इस दौरान हम लोग इतना कीमती डेटा अपना इकट्ठा करते हैं, जैसे आशीष ने अभी हमारे को समझाया, उस डेटा की प्रोटेक्शन के लिए हम शायद कुछ भी नहीं करते। आशीष ने तो एक पूरी साइबर सिक्योरिटी की टीम ही इसके लिए एम्प्लॉय कर ली, लेकिन क्या आपने कभी इसकी तरफ गौर किया? ये सोचने की बात है। आपको हमारे से यदि कोई मदद चाहिए तो हमारे नंबर्स यहाँ अवेलेबल हैं, डॉक्टर नवीन धाम के नंबर्स और उनकी टीम के नंबर्स यहाँ अवेलेबल हैं। क्लाउड एक्सेस जो कि एक बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म है, यदि आप अपना डेटा उसके ऊपर रखना चाहते हैं और बिल्कुल सेफ हो जाना चाहते हैं तो उनके नंबर्स भी हम लोग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों, टेक टॉक्स एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर हम लोग आपको ऐसे एक्सपर्ट्स से मिलवाते रहेंगे और आपको ऐसी एक्सपर्ट राय देते रहेंगे कि आपका एक बिजनेस जो है वो चहुं ओर से सुरक्षित और सिक्योर वे में चले। तो इसी के साथ ही मैं इजाज़त लेना चाहूँगा आपसे, और आपसे ये वादा करता हूँ कि अगले एपिसोड के अंदर मैं मिलवाने वाला हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन गेस्ट से। फिर से एक बार धन्यवाद।